कहाँ से रहने वाले हो? हथरे के। यूपी के? तो अभी आप ये बताओ रोड पे क्यों रह रहे हो आप? कमरा नहीं है ना हमारे पास, इसलिए। आपके पास कमरा नहीं है? कितने टाइम से आप ऐसे हो? 8 दिन से। 8 दिन से ऐसे हो? तो पहले कहाँ रहते थे आप? जिसकी बिल्डिंग में रहते थे उन्होंने निकाल दिया। अब जहाँ आप किराए पे रहते थे वहाँ से निकाल दिया आपको? हाँ। तो 8 दिन से आप, ये आपका छोटा बच्चा है, आप ऐसे ही जी रहे हैं? हाँ ऐसे रहते हैं। तो खाना कहाँ से आता है? खाना स्कूल से ले आते हैं। सरकारी स्कूल में जो मिलता है खाना? हाँ। और बच्चा दूध मांगता है? दूध कोई भी दे जाता है, गाड़ी वाले जाते हैं वो दे जाते हैं। क्या दिक्कत है आपका? ये छोटा सा बच्चा है, आप इसको रोड पे ऐसे डाल के रखा है? अब कहाँ जाएंगे, हमारा घर तोड़िए। मतलब दिन में रात में यहीं रहते हैं आप? और नहाने कहाँ जाते हैं, कहाँ फ्रेश होने जाते हैं? वो करदमपुरी पे जाते हैं, उधर वो लेटरिन बनी है सरकारी उधर। आपको अफसोस नहीं होता कभी कि आपका 1.5 साल का बच्चा यहाँ इस हालत में पड़ा हुआ है? होता तो है अफसोस, अफसोस होता है, तभी तो बैठे हैं बच्चे को लेके एक जगह। अफसोस नहीं होता तो कहाँ के कहाँ पहुँच जाते। बहुत होते हैं गलत सोचते हैं, पर हम गलत ही नहीं हैं, इधर ही पड़े रहते हैं, इधर से कहीं जाते ही नहीं हैं। कोशिश की आपने यहाँ से निकल के अपने घर जाने की? हाँ करी थी, घर वाले भी नहीं बुलाते हैं। वो लगा हुआ है ना हड़ताल है, तो उसकी वजह से गाड़ी फाड़ी कुछ चल ही नहीं रही, इस वजह से नहीं जा पा रहे हैं। देख लीजिए ये दिल्ली के हालात हैं। मैं दिल्ली के 1.5 साल का इनका बेटा रोड पे ही पिछले 8-10 दिन से ये बैठे हुए हैं, और कोई खाना दे के चला जाता है तो खा लेते हैं, या फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने जो रसोई चलाई हुई है सरकारी स्कूलों में वहाँ से खा लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी आप देखें कितनी मुसीबत में हैं ये लोग। मकान मालिक ने भी इनको निकाल दिया घर से, ऐसे मकान मालिक के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम क्या हेल्प कर सकते हैं आपकी ये बताइए? अब जो चाहो वो हेल्प कर दो। अगर हम किस तरह से हेल्प करें बताइए आपकी, बताओ। अब क्या बताएं, छोटा सा कमरा दिलवा दो उसमें रह लेंगे बस। कमरा अभी तो लॉकडाउन में तो मिल नहीं पाएगा। आप यहाँ दिल्ली के आसपास जो रहने के लिए घर बनाए हुए हैं वहाँ नहीं रह सकते आप? तो हमें नहीं मालूम ना किधर बने, हम जानते ही नहीं, हम तो परदेसी इंसान हैं। बच्चे के दूध वूध के लिए पैसे वैसे हैं आपके पास? मेरे पास नहीं है, उनके पास हैं, वो उनके पास हैं। उनके पास तो वही 10-20-50 रुपये। हाँ वो अपने पास ही रखते हैं, अपना खाना पीना करते हैं। वो अपने पास ही रखते हैं? क्या वो कुछ मेंटली डिस्टर्ब है? हाँ दिमाग में चोट लग गई है, इस वजह से ऐसे करते हैं। और अगर हम कुछ पैसे दें आपको जो आपके शोहर को ना पता चले? हाँ तो बस दूध वगैरह रखोगी? वो कि बच्चे के दूध वूध के पैसे देते हैं? नहीं वो कुछ नहीं देते हैं। कुछ नहीं देते हैं? तो बच्चा जब दूध मांगते हैं तो कैसे करते हैं? वो कह नहीं रही, वो गाड़ी पाड़ी वाले आते हैं वो दे जाते हैं। अच्छा। हाँ वो अपना। अच्छा मैं आपको कुछ पैसे दे रहा हूँ लेकिन वो छुपा के रखना आपको उनके। हाँ ठीक है, दिखाना नहीं? ठीक है। वो दिखाओगे तो वो ले लेंगे तुमसे, मतलब ठीक है ना? वो लो लो, ठीक है। ठीक है बहन, अपने बच्चे का ख्याल रखो। अभी हमने कुछ पैसे दिए हैं इनको, और सिर्फ इसलिए कि इनके दूध वगैरह इनका काम हो जाए, और ये कहा कि इनकी वाइफ को कि उनको ना दिखाएं अगर उनकी मेंटली हालत डिस्टर्ब है। तो बस यही कोशिश है मेरे भाई कि ऐसे लोगों की मदद किया करो, ये लोग आज इस कदर रोड पर आ गए हैं।